Hi guys, welcome and welcome back to our channel. So today is 9th of February and 14th February आने वाली है, Valentine Day आने वाला है and 22nd February भी आने वाली है जो मेरी और बब की second marriage anniversary है उस दिन. तो this is gonna be a month of love, I guess, है ना. तो मैंने सोचा है कि बब के लिए कुछ प्रेजेंट लेना, कुछ यूजफुल थिंग लेने के लिए सोच रही हूँ. तो मैंने सोचा कि उसको एयरपॉड 3 जो है वो गिफ्ट करते हैं थर्ड जनरेशन के, क्योंकि उसके एयरपॉड्स अभी रिसेंटली ख़राब हुए हैं. बेचारे के एयरपॉड्स पे ना ग्रहण आए हुए हैं, क्योंकि पहला भी उसका बेचारे का गुम हो गया था, दूसरा वाला ख़राब हो गया. अब नाउ अगर एयरपॉड्स ही ले रही हूँ तो वो थर्ड वाले हैं. बाकी मैंने सोचा कि वीकली व्लॉग करूँगी ये, क्योंकि अडे इन माई लाइफ तो बहुत सारे किए हैं, देखती हूँ वीकली व्लॉग होता कैसे है. गाइस दिस इज द नेक्स्ट डे. कल मैं कुछ व्लॉग नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड हो गई थी कल. तो आप भी फटाफट रेडी होने लगे हैं. आज सैटरडे है, वीकेंड है एंड आई होप शाम को कहीं जा पाए, हमारा कुछ प्लान हो अगर स्टोर से जल्दी फ्री हो गए तो. सो अभी हम रेडी होते हैं ऐसे. सो दिस इज माई लुक फॉर द डे और पूरी लुक मैं आपको दिखाऊंगी एक बार स्टोर पे पहुंच के, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा मिरर नहीं है. तो अच्छे से मैं आपको स्टोर पे पहुंच के दिखाऊंगी एंड गाइस आई एम लविंग माय लुक. आगे पहुंच के दिखाऊंगी. इट्स ऑल ब्लैक एंड ऑल ब्लैक इज माय फेवरेट गाइस. ज़्यादा तैयार हूँ आई नो स्टोर के लिए, बट घर आने का टाइम नहीं मिलेगा. तो अगर कहीं गए तो मैं ऑलरेडी रेडी हूँ. चलो गाइस चलते हैं स्टोर पर. अब काफ़ी लेट हो चुकी हूँ मैं एंड आई सी यू देयर. And it's time for evening tea. And now you will see my look of the day. मुझे प्ले सूट बहुत 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 ज़्यादा पसंद है. ब्लेजर्स आई लव देम. डू लेट मी नो हाउ आई वॉज लुकिंग. दिस इज द नेक्स्ट डे. फटाफट से रेडियो के स्टोर पे आ गया. कल बहुत ज्यादा लेट हो गए थे, फिर भी somehow I managed to be on time. तो बस अभी ब्लो ड्राई करवाना है, मैंने अभी बाल ऐसे ही बांधे हुए, रेडी में हूँ. शाम को हमें जाना है, ये पीछे हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं, इनके साथ इवनिंग टी का प्लान है. तो बस और तो कुछ प्लान है नहीं, अभी फटाफट से चलते हैं सबसे पहले ब्लो ड्राई करवाने. एंड दिस इज वॉट आई एम वेयरिंग टूडे. मुझे लगता है पैंट सूट्स मेरा स्टाइल बन चुके हैं. नाउ लेट्स हैव सम लंच. ये पुलाव बनाए थे मम्मी ने, इट वॉज सो गुड सो गुड. I had a great time having my lunch. और उसके बाद डेकोरेशन करनी थी हमने वैलेंटाइन वीक की अपने स्टोर के लिए, तो उसी की मैं तैयारी कर रही थी. सो गाइज फाइनली थोड़ा सा टाइम मिला मुझे और मैंने सोचा क्यों ना मैं फटाफट जाके अपना हेयर वॉश एंड ब्लो ड्राई करवाया हूँ. और मेरे सलोन के नीचे ये लेंसकार्ट का स्टोर है, यहाँ पे मुझे ये सनग्लासेस बहुत अच्छे लगे और साथ में बास्किन रॉबिन है. यहाँ पे मेरी फेवरेट डच आइसक्रीम मिलती है. और गाइज गेस व्हाट. सो गाइज आई तो थी मैं यहाँ पे अपना हेयर वॉश करवाने के लिए, बट यहाँ पे इतना रश था मुझे कैसे याद नहीं रहा कि आज संडे है. और इतनी वेट करने के बाद भी आई फाइनली गेव अप. और इतनी भूख लगी हुई थी, इतनी ज्यादा भूख लगी थी कि मैं नीचे फटाफट आई, बास्किन रॉबिन दिखा वो पीछे, वहां से आइसक्रीम लिया, फटाफट खाऊंगी और वापस स्टोर पे जा रही हूँ. आई कैन नॉट वेट फॉर सो लॉन्ग, क्योंकि संडे को स्टोर पे भी रश होता है. सो आई एम गोइंग बैक टू द स्टोर. बाकी ये कल करवा लेंगे आके. सो रात के बज गए 1 और आई एम हैविंग माय कप ऑफ मिल्क. और जो मैंने बोला था कि हमने इवनिंग टी पे जाना था फ्रेंड्स के, वो एज हमारी लेट लतीफी के कारण वो नाइट टी बन गई, मतलब वो कॉफी डेट बन गई मोरफा, क्योंकि हम बहुत लेट स्टोर से फ्री हो पाए और अराउंड 9 o'clock हम पहुंचे हैं वहाँ पे. तो बस वहाँ से फिर फ्री होके अब घर आए हैं और इसके बाद अब आज का दिन करते हैं एंड. और आई सी यू टुमारो, बाय. हाय गाइस दिस इज द नेक्स्ट डे. आज मंडे है और अभी हम जा रहे हैं अपना जो घर बन रहा है उसका थोड़ा सा काम देखने के लिए. ये हमारे टेरेस का काम शुरू हो गया, टाइल्स लग रही हैं. हाँ ये आखिर काम है अपना हेयर वॉश एंड ब्लो ड्राई करवा पाई गाइस.
और ये मैंने बब के लिए जो एयरपॉड्स मंगवाए थे ये मैंने उसको दिए. ही वॉज सो हैप्पी एंड लेटेड. मैंने उसको कप में डाल के दिए थे तो उसे लगा कि ये कप उसको गिफ्ट मिला बट उसके अंदर उसको एयरपॉड्स मिले. एंड फिर अगले दिन हम वैलेंटाइन डिनर के लिए गए. ये ओपन प्लेस में बहुत सुंदर लग रही थी नाइट में गाइज. एंड दिस इज़ वॉट आई वॉज वेयरिंग दैट डे एंड दिस इज़ हाउ माई लव ऑफ लाइफ वॉज लुकिंग.